एक प्रश्न है दोस्त, देखिए, एक विक्रेता ने 6300 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीन कितने बेचनी चाहिए? तो विक्रेता कह रहा है 6300 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेच रहा है, तो 6 सिलाई मशीन का 6 सिलाई मशीन बेचा और उसे कितना होता 5% का लाभ हुआ। यानी 6 सिलाई मशीन कितना बेचा है, इसमें कितना है 6300 रुपया, लाभ कितना हुआ 5%, यानी सीपी कितना हुआ, सीपी से निकाल लेते हैं, सीपी कितना हो जाएगा 6300 × 100/105, 500 कटेगा 500 21 520 131 63, यानी 1 2 3 बने 3 2 6 1 2 3 4, 1 2 3 4 इतना में इतना 6 सिलाई मशीन का क्रय मूल्य कितना आया, तो आया 660,000। तो इससे एक सिलाई मशीन का क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य सिलाई मशीन का कितना होगा, टोटल 60,000 बटा 6, यानी 1 2 3 4 10,000 हो जाएगा। हम बोल रहे हैं 15% लाभ, तो सीपी होगा कितना, इतना हम भी बोल रहे हैं कितना 8 सिलाई मशीन कितने बेची जानी चाहिए, तो 8 सिलाई, एक सिलाई मशीन का है तो 8 सिलाई मशीन का सीपी कितना हो जाएगा, 8 सिलाई मशीन का सीपी मशीन का क्रय मूल्य, एक सिलाई मशीन कितना है तो 8 सिलाई मशीन का कितना हो जाएगा 80,000, 10,000 × 10,000 = 84,000। अब इसको कितना मैं लाभ करना चाहता है, लाभ कितना कमाना चाहता है 15% का, तो हमको एस पी निकालना है, तो एस पी कितना होता है क्रय मूल कितना है, क्रय मूल 80,000 उसका 15%, यानी 115/100। ये कितना हुआ, एक क्रय मूल्य का 6 सीपी इतना, तो एसपी इतना 15% लाभ कमाना चाहते हैं, यानी ये 0 से 0 कट गया, तो 8 सिलाई मशीन का इसमें 8 × 5 = 40 × 8 = 10 × 15 = 20 + 8 = 9। यहाँ पर 6 सिलाई मशीन एसपी इतना दिया हुआ, 6 सिलाई मशीन का एसपी दिया हुआ है, सीपी 1 सिलाई मशीन का 63,100 यानी 500 × 25 = 1 2 3 4 6 सिलाई मशीन का क्रय मूल्य 1 2 3 4 इतना होता है, 1 सिलाई मशीन का क्रय मूल्य 600 डिवाइड कर दिया, यानी 1 2 3 4, क्योंकि एक सिलाई मशीन का क्रय मूल्य यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो 8 सिलाई मशीन कितने बेचनी चाहिए, तो 8 सिलाई मशीन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 0 0 0 8, लाभ कितना जगह होना चाहता है 8, तो एसपी कितना हो जाएगा 8,000 × 80,000 × 115, 500 कितना होगा 520 523, यानी 23 भी 2500 भी 84 4 392। अच्छा यहाँ पर देखिए 80,000 × 115/100, 0 से 0 काटिए 115 × 8 = 40 × 8 = 12 × 8 = 9, यानी 92,000 रुपये उसको फेस पे हुआ। अगला प्रश्न है कि
क्या के साथ सभी त्रिया वाले अर्धगोल अर्धगोले का ब्रक पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ब्रक ब्रक क्षेत्रफल निकालना है। कितना 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलार्ध का ब्रक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। 7 सेंटीमीटर वाले अर्धगोला था स्फेयर जानते हैं स्फेयर हुआ ये स्फेयर मतलब कि स्फेयर हुआ अर्धगोला उसका आधा यानी आधा का बक पृष्ठ छठ वाले ये वाला निकालना है। टोटल का कितना होता है 4πr² तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2πr² 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 7 × 7 44 44 × 7 38 इतना हो जाएगा।